वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एक नई भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल अभी आज ही कर दी है। और अभी ये टाइम है दोस्तों, आपको पता ही है, 33 मिनट पहले ये ट्वीट फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर डाला है दोस्तों। क्या है न्यूज़ पूरी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अभी हाल ही में 5,300 कांस्टेबल की भर्ती खत्म नहीं हुई और इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, और जो पहले की भर्ती है वो कोर्ट में भी गई हुई है बहुत सारे जिलों की, क्योंकि आपको सबको पता है दोस्तों, जो एक्स सर्विसमैन और खिलाड़ियों के लिए इसमें पद हैं वो कुछ ज़्यादा ही उसको ज्वाइनिंग दे दिए या उनको ज़्यादा पास कर दिए, तो इसकी वजह से कोर्ट में भी गई हुई है। और दोस्तों वो भर्ती पूरी नहीं ही हुई, उससे पहले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 8,438 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया है दोस्तों, आज का है ये फैसला, आप देख सकते हो। पुलिस कांस्टेबल के 8,438 पदों पर होगी भर्ती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फैसला दोस्तों। ये अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ट्विटर से और ये ट्वीट किया है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान की, आप वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। और दोस्तों अपनी जो पहले की तैयारी जिसने कर रखी है, या फिर कोई दौड़ में रह गया है, या फिर कोई भी किसी कारण से फाइनल मेरिट में नहीं आया है, तो दोस्तों वो वापस तैयारी शुरू कर सकता है। इसके साथ ही आपको पता है दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, अपनी तैयारी जारी रखें। और दोस्तों आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि पहले वाली भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और 8,438 पदों की नई जो स्वीकृति मिल गई है दोस्तों, और ये बहुत ही जल्दी आएगी, क्योंकि दोस्तों राजस्थान पुलिस में जो कॉन्स्टेबल के जो पद बहुत ज़्यादा खाली चल रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी भर्तियाँ खाली चल रही हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों को पता चल सके कि नई भर्ती आ गई है। धन्यवाद दोस्तों।